हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस, सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे. ओके, तो सभी बड़ी मस्ट वर्क हार्ड, एवरीबॉडी मस्ट स्टडी रेगुलरली. ठीक है, सब रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए और यस, जो होमवर्क दिया जाता है वो भी रेगुलर कीजिए एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सब भेजते हैं वो भी कीजिए. और यस, कोई डाउट है तो यस प्लीज लेट मी नो. ओके, सो नाउ यहाँ पे इस चैप्टर पे हमें दैट इज नाइन चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हमने एपी का पार्ट फिनिश किया. जीपी के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स 9.3 में हमने फिनिश कर दिए है. ओके, उसके दो एग्जाम्पल मुझे आपको दिखाने थे, दैट इज प्रूव करने वाले हैं. ओके, यहाँ पे मैं आई विल जस्ट शो दिस टू एग्जाम्पल्स, बट यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस दैट थिंग. ओके, अपने आप ही वो वापिस करना ही है. ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल रीड करता हूँ, देखते हैं. ओके, show that the ratio of the sum of the first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 to 2nth term is 1 upon r raised to n. Okay? Yes, यहाँ पे हमें रेशियो पूछा है, तो GP है उसके फर्स्ट n टर्म का सम टू द रेशियो दूसरा जो है वो n plus 1 टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो एरिथमेटिक जो GP है वो nth टर्म से एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज nth के बाद वाला जो टर्म होगा वो n प्लस 1 टर्म होगा. ओके, उससे 2n टर्म का जो होगा उनका रेशियो. ओके, दैट इज सम फर्स्ट n टर्म का और n प्लस 1 टर्म से 2n टर्म का जो सम है, इन दोनों सम का रेशियो हमें फाइंड करना है. ओके, सो यस, यहाँ पे जिस तरह से एपी में उस तरह से जीपी में भी देर आर टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर. अगर जीपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर, ये दो चीजें हमें पता है, तो यस वी कैन फाइंड एनीथिंग अबाउट दैट जीपी दैट वी नो वेरी वेल. ओके, नाउ यहाँ पे हम यही चीज करेंगे, एक ही जीपी के टर्म से तो हम एज्यूम करेंगे लाइक फर्स्ट टर्म इज एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपीबी ए एंड आर रिस्पेक्टिवली. ओके, ना हमें यहां पे जस्ट टू एन टर्म की बात की गई है, तो यस देयरफॉर द जनरल यस रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीपी यस फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो यस ए आर इसके टर्म्स आएंगे ए आर स्क्वेयर डैश 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 अप टू ए आर रेस टू एन माइनस वन, ये एंथ वाला टर्म. यस अब हमें एन प्लस वन के इस एन प्लस वन यानी कि यस यहां पे एन की जगह पे एन प्लस वन रखना है, तो यस होगा ए आर रेस टू एन, एन प्लस वन रखो वन वन कट हो जाएगा. नेक्स्ट वाला एक जो पावर है वो बढ़ता है, सो ये होगा ए आर रेस टू एन प्लस वन डैश डैश डैश. नाउ यहां पे एन प्लस वन और टू एन, टू एन यानी कि हम एन प्लस एन लिख सकते हैं, दैट मीन्स दोनों में फर्स्ट एन कॉमन है, वन टू एन, दैट मीन्स ये भी एन टर्म्स ही होंगे. एन प्लस वन टू 2n टर्म, दैट इज n प्लस 1 टू n प्लस n टर्म. ओके, दैट मीन्स ये 1 टू n, दैट मीन्स ये भी और यस, बट उसमें जो फर्स्ट टर्म होगा ये ए आर रेस टू n होगा और यस इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ये n टर्म्स, ये भी n टर्म्स होंगे. यस उसका जो 2n टर्म है, यस लाइक वाइज n टर्म ए आर रेस टू n माइनस 1, तो यस 2n टर्म विल बी ऑब्वियसली ए आर रेस टू 2n माइनस 1. ओके, सो यस इस तरह से ये पूरा जनरल एक रिप्रेजेंटेशन हुआ बुक्स का. ओके, नाउ यहां पे हमें फर्स्ट n टर्म्स, दैट मीन्स ये है फर्स्ट n टर्म्स और ये है n प्लस 1 टू 2n टर्म्स. ओके, यस ये फर्स्ट n टर्म्स, यस n प्लस 1 टू 2nth टर्म्स. ओके, अब इनके सम का रेशियो, फर्स्ट n टर्म का सम
डिवाइड बाय जो सेकंड वाला जो है वो n, वो भी n टर्म होगा लेकिन n प्लस वन टू टू n टर्म्स, यस ये इनके सम का रेशियो में फाइंड कर, जिस वी आर राइटिंग दैट थिंग यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस वन टू टू n टर्म, ओके दैट मीन्स न्यूमरेटर में ये सम आएगा, सो यस यहां पे a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डैश 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 अप टू ए आर रेस टू एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में इसका सम आएगा दैट मीन्स ए आर रेस टू एन प्लस ए आर रेस टू एन प्लस वन डैश 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 ए आर रेस टू टू एन माइनस वन, ओके नाउ यहां पे और कुछ चीज करनी नहीं है, यस यहां पे देखेंगे ऊपर तो ए ए आर ये चीजें है, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन निकल रहा है, डिनोमिनेटर में आर रेस टू एन का पावर कॉमन निकलेगा सब में से, आर रेस टू एन, आर रेस टू एन, ओके बिकॉज आर रेस टू एन ये मिनिमम है, इसमें एक एक पावर उसका बढ़ता हुआ जाएगा तो हर एक में आर रेस टू एन होगा ही, तो यस वी कैन राइट लाइक दिस, यस ऊपर और कुछ नहीं करना है, ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर रेस टू एन माइनस वन, नीचे वाले में से आर रेस टू एन कॉमन निकलेगा, तो ये अंदर टर्म्स क्या बचेंगे, ए ये होगा ए आर जो सोबियो से इस तरह से ए आर स्क्वायर डैश 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 ए आर आर रेस टू एक एन कॉमन निकल गया, ए आर रेस टू एन माइनस वन, यस ये दोनों टर्म सेम हो गए, इट विल गेट कैंसल आउट, सो वन अपन आर रेस टू जो हमें प्रूव करना है या शो करना है, ओके वन अपन आर रेस टू एन, यस इस तरह से ये चीजें हैं और कुछ नहीं है, यस कोई भी प्रूव करने का एग्जाम्पल है, यस यहाँ पे जीपी है तो जीपी में ये दो चीजें हैं, दैट इज द फर्स्ट टर्म ए एन कॉमन रेशो आर, ये दो चीजों में ध्यान में रखनी है, दी होगी तो उसका यूज करना है, नहीं दी गई होगी तो कंडीशन के ऊपर से वो चीज हम फाइंड कर सकते हैं, फिर यस उसका इस्तेमाल करके वी जस्ट रीच टू द कंक्लूजन ऑफ अ एग्जाम्पल, ओके सो इस तरह से ये चीजें करनी होती है, ओके सो राइट डाउन, यस इसके जो जीपी के रिलेटेड 9.3 में जो लास्ट एग्जाम्पल 25th वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन क्या है, व्हाट इज इट, जिस तरह से हमने एरिथमेटिक मीन देखा था और यहाँ पे एक्सटेंशन है, एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन वो चीज हमें देखना है, ठीक है सो फर्स्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल, दिस विल सी नेक्स्ट, ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है 25th वाला, दिस विल रीड फर्स्ट, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ओके ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सारे चारों टर्म, शो दैट प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर, ओके इट्स अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नो प्रॉब्लम यहाँ पे, लेकिन जो चीज डी है उसके ऊपर से हम ए बी सी डी, ओके ये चीज कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो चीज देखना है, यहाँ पे ए बी सी डी वो जीपी में है, यस तो यस यहाँ पे जीपी में हो तो इनका कॉमन रेशियो वो सेम रहना चाहिए, दैट मीन्स बी बाय ए सी बाय बी डी बाय सी वो रेशियो सेम होना चाहिए, यस लेट अस जस्ट वी आर एज्यूमिंग दैट थिंग, ओके हियर ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, ओके लेट द कॉमन रेशियो बी आर, ओके देयरफॉर यहां पे वी कैन राइट बी बाय ए इज इक्वल्स टू आर, सिमिलरली C by B is equals to R and D by C is equals to R, ये चीज होगी, therefore B is equals to AR
सी इज इक्वल टू बी आर, फॉर बी की वैल्यू ए आर है तो यस ए आर, तो ये होगा ए आर स्क्वायर बी सी आर, बट सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इंटू आर, दैट मीन्स ए आर क्यूब। यस यहाँ पे ए बी ए आर सी ए आर और डी ए आर, ए आर स्क्वायर और डी ए आर क्यूब, दैट मीन्स चारों ए और आर के फॉर्म में आ गए। यस ये सिमिलरिटी लाने की होती है और कुछ नहीं, फिर ये एग्जाम्पल सिंपल हो जाएगा। ओके सो दीज आर द थिंग्स, ये चीज है। नाउ वी विल जस्ट टेक दिस थिंग जो हमें प्रूव करना है वो दिखा देते हैं। यस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ए स्क्वायर तो यस वो ए तो ए ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यस सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आर रेस टू फोर इंट नेक्स्ट ब्रैकेट में बी स्क्वायर है, दैट मीन्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यस सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आर रेस टू फोर, यस बी स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर आर रेस टू सिक्स। ओके नाउ अभी इसका एक्सपेंशन नहीं करना है, जस्ट जितना सिंप्लीफिकेशन यानी कि अगर अलजेब्रा में जितना कॉमन निकालता है वो कॉमन निकालने का ट्राई कीजिए, यस आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। तो यस यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकल सकता है तो ए स्क्वायर, तो यस यहाँ पे वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एस टू फोर। सेकेंड ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा तो यस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखा वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू फोर। नाउ वी कैन सी दैट वन प्लस आर स्क्वायर इंटू आर एस टू फोर, वन प्लस आर स्क्वायर इंटू आर एस टू फोर, ये जब दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में आ गई तो यस यहाँ पे इन दोनों को मिला के ये होगा ए रेस टू फोर इंटू आर स्क्वायर और वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू फोर होल स्क्वायर, ये चीज हम लिख पाएंगे। नाउ अगेन यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, जैसे यहाँ पे एक होल स्क्वायर हमारे पास आ रहा है ना, ए बी, ए बी का मतलब क्या ए इंटू बी, सो ए स्क्वायर ए इंटू बी वो ए स्क्वायर इंटू आर होगा, बी सी यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये चीज होना चाहिए। ये चीजें पॉसिबल बन रही है कि नहीं वो हमें देखना है। यस फर्स्ट तो होल स्क्वायर है ना, तो यस इसका तो बन गया, तो यस यहाँ पे अगर इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट करना है तो लिख सकेंगे ए स्क्वायर इंटू आर वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एस टू फोर होल स्क्वायर, यस इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो मैंने बोला ए बी यानी कि ए स्क्वायर आर होना चाहिए, अंदर ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर आर होगा, यस बी सी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब होना चाहिए, ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब बनना, यस लास्ट भी ऐसे बन ही जाएगा। ओके तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर रेस टू फाइव होल स्क्वायर। नाउ इसमें से ये ए हमें ए बी चाहिए, यस इसकी जगह पे ए इंटू ए आर, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए बी सी दैट मीन्स ए आर, तो यस इसमें से ए आर सेपरेट कर रहा हूं तो दूसरा टर्म आएगा ए आर स्क्वायर, देयर इज नथिंग बट सी। ओके सिमिलरली यहाँ पे सी डी चाहिए, तो सी डी यानी ए आर स्क्वायर हमें सेपरेट करना है, तो यस ये ए आर स्क्वायर सेपरेट किया तो दूसरे में आएगा ए आर क्यूब होल स्क्वायर। नाउ ए इज इक्वल टू ए, ए आर इज इक्वल टू बी, तो यस ये होगा ए बी ए आर दैट इज अ बी, ए आर स्क्वायर दैट इज अ सी, सो बी सी प्लस ए आर स्क्वायर दैट इज अ सी, ए आर क्यूब दैट इज अ डी, तो सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके सो जस्ट ये चीजें करनी है और कुछ नहीं है। ओके सो जस्ट डू इट, विल सी नेक्स्ट।
ज्योमेट्रिक में भी ओके 9.3 में जितने भी जीपी के एग्जाम्पल थे उसके रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं. नाउ जीपी के रिलेटेड सॉरी ज्योमेट्रिक मीन जीएम के रिलेटेड है. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएम ज्योमेट्रिक मीन. जिस तरह से एरिथमेटिक मीन समझे उसी तरह से उसका ये जीपी का एक्सटेंशन है और कुछ नहीं है. देन वी विल सी रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम एरिथमेटिक मीन एंड जीएम. वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओके. वो चीज हमें समझनी है ओके. सो जस्ट राइट डाउन दिस विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. यस स्टूडेंट यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन क्या है वो समझेंगे ओके. नाउ लेकिन इससे पहले जस्ट मुझे एक के स्टूडेंट से भी पूछा है कि दैट्स वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में यस एक कॉम्बिनेशन का कई बुक्स में अलग तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है ओके. जैसे आई एम जस्ट शोइंग आई वांट टू क्लियर दैट थिंग ओके. हम इस तरह से लिखते हैं एनसीआर ओके. एनसीआर का एक अल्टरनेटिव सिंबल है सो जस्ट डोंट गेट कैरिड अवे विद दैट थिंग. ये इस तरह से हमको लिख सकते हैं यस यहाँ पे एनसीआर इस तरह से लिखो या तो ये बोथ आर सेम ओके. यस कई लड़कों का मुझे इस कंफ्यूजन ये मुझे मिला था ओके. सो जस्ट आई एम क्लियरिंग दैट थिंग. ये सेम इसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है नथिंग बट एक्स ओके. यस जिस तरह से यहाँ पे फाइव सी या सो फाइव सी थ्री ओके. इट्स नथिंग बट फाइव फोर यस फाइव फोर सॉरी फर्स्ट वी कैन राइट लाइक दिस फाइव सी थ्री है ना तो यू कैन राइट फाइव सी टू एन सी आर इज गोस टेंस माइनस आर यस फाइव इंटू फोर टू इंटू फाइव ओके. यस ये चीजें हैं. It's nothing else. Don't get carried away with that thing. Okay? It's an alternative representation of NCR. Okay? Yes, मुझे लगा ये clear करना चाहिए. कई लोगों ने पूछा भी है. Okay? So yes, this is it is the thing. Nothing else. Okay? Yes. Now we will see geometric mean. Yeah. What is it? First we will see the basic definition. Geometric mean किसको कहते हैं? जिस तरह से arithmetic mean में टू नंबर्स ए और बी के बीच में कोई कैपिटल नंबर ए ऐसे इंसर्ट कर देगी जिससे जो सीक्वेंस बनती है न्यू सीक्वेंस दैट इज ए कैपिटल ए बी इज इन ए पी देन दैट नंबर ए इज कॉल्ड एरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर्स ए एंड बी. लाइक वाइज यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है यस लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव नंबर्स यस एंड इफ वी इंसर्ट नंबर जी बिटवीन ए एंड बी सच दैट द resulting sequence that is A G B B A G P then G is called geometric mean. Two numbers A and B. Yes, ये इसका basic definition geometric mean. Okay, जिस तरह से arithmetic mean में हम AP बनाते थे जिस number insert करके यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे GP बनाते हैं जिस number insert करके GP बनाना है. But यहाँ पे एक condition ये है कि दोनों number positive चाहिए जो arithmetic mean में नहीं था. यहाँ पे ये condition है it should be पॉजिटिव नंबर दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए तब ये चीज पॉसिबल बनेगी ओके. नाउ अगर दो नंबर्स के बीच में जी हमें ऐड करना है ओके तो यस ये जी की वैल्यू क्या होगी तो यस दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या दैट वी विल सी ओके. हियर ए बी सॉरी ए जी बी शुड बी GP, yes GP. That means अब ये GP में कब बनेगा GP कब बनेगी
तो इनके कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो सेम रहेगा तभी यस देयरफॉर यहाँ पे जी बाय ए इज इक्वल्स टू बी बाय जी डिवाइड बाय ए बी ये सेम होना चाहिए यस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी यस देयरफॉर स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें जी चाहिए तो जी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी टू नंबर्स का जी एम दैट इज ज्योमेट्रिक मीन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू गिवन नंबर जिस तरह से दो नंबर का एरिथमेटिक मीन दैट मीन्स एवरेज ऑफ दैट नंबर दैट मीन्स ए प्लस बी बाय टू वो एरिथमेटिक मीन था उसी तरह से दो नंबर्स के बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन होगा तो वो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर्स ओके सो यस यहां पे हम लिख सकते हैं दैट मीन्स GM geometric mean of two positive numbers A and B is square root of AB or AB raised to 1 by 2 ये चीज होगा ओके नाउ जैसे हमने arithmetic mean में ये concept extend किया था यहां पे सिर्फ एक number नहीं और एक से ज्यादा number मुझे ऐसे insert करने हैं कि जिससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो जीपी होनी चाहिए ओके सॉरी जीपी होनी चाहिए ये सेम जो एरिथमेटिक मीन का जो कंसेप्ट है वही है यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में कंसेप्ट एक्सटेंड किया गया है और कुछ नहीं है ओके यस लाइकवाइज वी कैन इंसर्ट यस एज मेनी नंबर्स एज वी कैन वी लाइक सच दैट जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी बनेगी तो यस उस तरह से बनाने के लिए जीपी बनाना है ऑब्वियसली ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा यस जीपी बनाना है तो मुझे कॉमन रेशियो चाहिए तो यस वो कॉमन रेशियो किस तरह से फाइंड करेंगे और वो नंबर्स जो इंसर्ट करेंगे वो कौन से नंबर में इंसर्ट करेंगे जिससे पूरा सीक्वेंस जीपी बने वो चीज अभी हमें देखनी है ओके यस सिमिलरली वी कैन इंसर्ट एज मेनी numbers as we like between A and B so that the resulting sequence become a GP. तो यस ये चीज कैसे आएंगी तो यस हम एज्यूम करते हैं कि यस इनके बीच में हम एंड नंबर्स ऐड करते हैं ओके लेट एंड नंबर्स जी वन जी टू जी थ्री डैश 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 जी एन बी इंसर्टेड बिटवीन numbers A and B such that the resulting sequence is in GP that means यहां पे इस तरह से A G1 G2 up to GN B ओके ये सीक्वेंस हमें बनानी है यहाँ पे ए और बी के बीच में हमने यस ये एन नंबर्स कैपिटल जी वन टू कैपिटल जी एन ये चीजें हमें ऐड करनी है ऐड किया है ओके नाउ जिस तरह से एरिथमेटिक मीन में हमने वो एस्टेब्लिश किया था इस तरह से हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है वो हमें पता है यस बाकी के जीपी के टर्म्स मुझे फाइंड करने होंगे तो आई रिक्वायर अ कॉमन रेशियो तो यस वो चीज फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे टोटल यस ये एन नंबर्स है ए और बी दैट इज टोटल ये एन प्लस टू नंबर्स है तो यस अगर ये जीपी बनेगी तो बी विल बी द एन प्लस टू टर्म विल बी द बी ओके नाउ यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म मुझे पता है कॉमन रेशियो हम एज्यूम करते हैं ओके लाइक
कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी आर। यस, अगर आर एक बार मिल गया तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। हियर यस फर्स्ट टर्म इज ए एंड B will be the n plus 2th term of GP. Okay, that is A n plus 2 is equals to B. ये चीज होगी। Now, first term A है, common ratio हमने R assume किया है, तो उसका general term. Now, therefore जनरल टर्म ऑफ जीपी दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए आर एस टू एन माइनस वन होना चाहिए। यस, यहां पे हमें एन प्लस टूथ वाला टर्म पता है बी, तो यस एन प्लस टूथ वाला टर्म फाइंड करना होगा। एन की जगह पे एन प्लस टू ए एन प्लस टू ए आर, यहां पे एन की जगह पे एन प्लस टू माइनस वन। यस ए एन प्लस टू दैट इज एन प्लस टू टर्म इज बी, so here it's a b a r raised to n plus 1। yes a ko yahan pe launga to r raised to n plus 1 is equals to b by a। yes now r ki value find karni hai to dono side hame n plus 1 root nikalna padega। okay so just yahan pe uske liye r is equals to b by a raised to 1 upon n प्लस वन, तो एन प्लस वन रूट निकालना पड़ेगा, दोनों साइड तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके सो यस ये कॉमन रेशियो आर मिल, क्योंकि बी को पता होगा हमें, ए पता होगा, और कितने टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं वो नंबर्स एन भी हमें पता होगा, तो उसको बस ये सारी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आर मिल जाएगा। यस एक बार आर मिल गया तो यस जो टर्म्स है जीवन जीवन ये ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो जीवन इज इक्वल टू इनटू आर, जी टू इज इक्वल टू ए इन टू आर स्क्वायर। यस बाकी के टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। यस देयरफॉर टर्म्स जी वन दैट विल बी ए इन टू आर, ए आर हमने फाइंड किया है बी बाय ए रेस टू वन अपन एन प्लस वन, जी टू दैट इज ए आर स्क्वायर इट्स नथिंग बट ए बी बाय ए रेस टू स्क्वायर रेस टू अपन एन प्लस वन, लाइकवाइज जी एम ए आर रेस टू एन दैट मीन्स ए बी बाय ए रेस टू एन अपन एन प्लस वन। ओके यस यस थोड़ा ये जगह कम पड़ा इसलिए इसको उसको लिखा है, बट वट एवर आई एम जस्ट राइटिंग जस्ट दैट आई एम स्पीकिंग सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन देयर। ओके सो जस्ट यहाँ पे जी इस तरह से बाकी जो एरिथमेटिक मीन में था उसी तरह से यहाँ पे ये सारे जो नंबर्स हम इंसर्ट करना चाहते वट एवर नंबर यू लाइक वो आप दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करके वो जो पूरी सिक्वेंस बनेगी वो जीपी बनाने, तो वो नंबर्स किस तरह से इंसर्ट करने डिपेंड्स ऑन द हाउ मेनी नंबर्स वी वॉन्ट टू इंसर्ट बिटवीन दिस टू नंबर्स ए एंड बी। ओके सो यस उस तरह से ये चीजें की जाती है, और यस यू कैन कंपेयर विथ एरिथमेटिक मीन ऑल्सो। एरिथमेटिक मीन में जो कॉमन डिफरेंस बनता था डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपन एन प्लस वन। ओके सो यस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस डिवाइड बाय जितने नंबर्स इंसर्ट करने इन दोनों के बीच में दैट इज प्लस वन एन प्लस वन। यहां पे जीपी में b by a लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो होल रेस टू वन अपन एन प्लस वन, वेर यहाँ पे n जो होगा जो नंबर्स हमें इन दोनों के बीच में इंसर्ट करने वो चीज होगी। ओके यहाँ पे आप ये फॉर्मूला या तो यस ये कॉमन रेशियो याद रख सकते हो, देन इट्स बेटर अगर नहीं भी याद रखते हो तो जिस तरह से हमने यहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया जिस एन प्लस टू था उस तरह से भी आप कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। ओके नेक्स्ट हम इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, मैं आपको उस एग्जांपल में दोनों तरीके दिखाऊंगा, डायरेक्ट आप ये चीज याद रखो तो भी चलेगा, और एज यहाँ पे नंबर्स इंसर्ट किए उसके बाद जो
जीपी का कंसेप्ट है, वो जिस जीपी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, एन प्लस टू टर्म दैट विल बी बी बनेगा, उस हिसाब से करेंगे तो भी हम कर पाएंगे. ओके, दोनों तरीके में आपको दिखाता हूं. ओके, फर्स्ट यू राइट डाउन. ये स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने जीएम का कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेस पे की एग्जाम्पल है. इंसर्ट थ्री नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी. ओके, यहाँ पे 1 और 256, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 256. यस, इनके बीच में थ्री नंबर्स हमें इस तरह से इंसर्ट करने के जो यस टोटल 5 नंबर की जो सीक्वेंस बनेगी वो जीपी होगी. ओके, वो चीज हमें करनी है. ओके, नाउ लेट थ्री नंबर्स G1, G2 and G3B inserted between 1 and 256 so that yes it is G. Okay, that is yahan pe yes 1 G1 G2 G3 and 256. ओके, नाउ यहाँ पे कितने नंबर्स? 3. यहाँ पे n, यस डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो यस n इज इक्वल टू 3 हो गए. ए 1 और बी इज इक्वल टू 256. ओके, नाउ हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 256 एंड टर्म्स टू बी इंसर्टेड n is equals to 3. Let common ratio of GP be R. So just first हमारे पास जो है direct formula R is equals to B by A raised to 1 upon n plus 1. Yes, यहाँ पे n is equals to 3 लेना है. Therefore R is equals to B by A 1 upon n plus 1, that means यहाँ पे R is equals to, sorry, value substitute करेंगे, B is equals to 256, A is equals to 1 upon, yes, यहाँ पे 3 numbers, that means n is equals to 3 लेना है हमें, so 3 plus 1, 256 raised to 1 by 4, 4th root निकाला, यानी 256 का, 4 का 4 power, 16 into 16, so 4 raised to 4, 1/4, so it will be 4. Yes, R is equals to 4 मिल गया. A is equals to first term 1, A है, 1 है, G1, G2, G3, G3, therefore numbers जो है वो G1 is equals to A into R, A is equals to 1 into 4 is equals to 4, G2 it will be AR squared is 1 into 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड G3 AR क्यूब 1 इंटू 4 क्यूब दैट इज 64. सो 1, 4, 16, 64 and 256. सो यस, अगर ये तीन नंबर्स इस तरह से 4, 16 और 64 इंसर्ट करेंगे तो ये पूरा जो सीक्वेंस है वो जीपी बनेगा. ओके, और यही चीज अगर ये B बाय A 1 अपन रेस टू 1 अपन एन प्लस 1 वो चीज याद नहीं भी रखनी है तो वो तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और यस हियर देयर आर टोटल 5 टर्म्स एंड A5 फिफ्थ वाला टर्म 256. ओके, नाउ लेट A5 इज इक्वल्स 256 और यस A फर्स्ट टर्म विल बी 1. लेट कॉमन रेशियो बी आर यस यहां पे जनरल टर्म, देयरफॉर G
general term. An is equal to ar raised to n minus 1. Yes. यहाँ पे हमें फिफ्थ वाला टर्म है तो यस ए फाइव तो एन की जगह पे फाइव रखो तो यस ए फाइव ए इज इक्वल टू वन आर रेस्ट टू फोर माइनस सॉरी फाइव माइनस वन ए फाइव हमारे पास है 256 इज इक्वल टू आर रेस्ट टू फोर यस यहाँ पे यही चीज आया हमारे पास ओके यहाँ पे आर एस टू फोर आ रहा है नथिंग एस आर एस टू फोर यस इट इज नथिंग बट फोर एस टू फोर सो आर इज इक्वल टू यस आर इज इक्वल टू फोर मिल गया ए इज इक्वल टू वन है फिर टर्म्स इसी तरह से फाइंड करने हैं जी वन जी टू जी थ्री ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब यस दोनों में से जो भी आपको कन्वीनियंट है वो चीज आप कर सकते हैं कंपल्सरीली ये चीजें ध्यान रखना है याद रखना है इसे नहीं जो बेसिक कंसेप्ट है या जो बेसिक अप्रोच है जीपी का उस तरह से इस्तेमाल करना है करोगे तो यस बट हियर जितने नंबर्स ऐड करेंगे तो यस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी एन प्लस टू हो जाएंगे और दिस लास्ट वाला टर्म एन प्लस टू यस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो डी एज्यूम करेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो आर एज्यूम करेंगे यस ज्योमेट्रिक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो एंथ टर्म एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो एंथ टर्म दैट इज अ जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू एन माइनस वन लिखेंगे यस बाकी चीजें सब्सटीट्यूट करके आप वहां से यस एपी के लिए एरिथमेटिक मीन के लिए आप डी फाइन करोगे यस यहां पे आर फाइन करोगे यस बाकी टर्म्स आपको मिल जाएंगे ओके सो इस तरह से भी आप कर सकते हो नॉट नेसेसरली कि यस ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखनी है ओके सो जस्ट डू इट ये लिख लीजिए इसके बाद एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन जैसे इसके बेसिस पे सेम एग्जांपल आपके एक्सरसाइज में वो आपको करना है हम एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं ओके यस यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ओके यस यहाँ पे एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जब कहते हैं तो यस दो नंबर्स ए और बी उसका कंसिडरेशन करना चाहिए ओके लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल जी बी द एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स n the n b respectively b the arithmetic and geometric mean of the two positive numbers a and b okay yes is the same thing okay now a is a aur yahan pe positive number particularly likha hai kyunki gm ज्योमेट्रिक मीन वो पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं ओके दोनों पॉजिटिव होना चाहिए तो यस यहाँ पे दोनों की कंपेयर करनी है तो यस दोनों को सेटिस्फाई करते हैं इससे नंबर्स दोनों पॉजिटिव ही हमें लेने हैं ठीक है ना यहाँ पे देयरफॉर यस ए बी है तो उसका एरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाय टू होगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू दैट वी नो एंड जी ज्योमेट्रिक मीन है तो जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ये चीज हमने सीखी है दोनों पता है हमें ओके नाउ लेट हम कर लेते हैं ये ए माइनस जी ओके ए माइनस जी यानी कि ए प्लस बी बाय टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी यस एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ये चीज हुई स्टिल इसको यस जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है उसको मैं जैसे हम इस तरह से मैं दिखा रहा हूं उस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं a माइनस जी इज इक्वल टू ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर b की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ बी
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी ए इंटू बी बाय टू, ये चीज हम लिख पाएंगे. नाउ जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है दैट्स वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर. यस, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर बाय टू. यस, नाउ वी नो दैट ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, तो उनके स्क्वायर रूट भी रियल नंबर्स होंगे और रियल नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो भी कोई रियल नंबर होगा. और स्क्वायर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. ओके, नाउ वी नो दैट यस रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. यस, या डिवाइड बाय टू करूंगा तो भी यस वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा. यस, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ए माइनस जी, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी. ये एक रिलेशनशिप है. यस, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर का एरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू उस दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन, उस दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से जितना या उससे ऑलवेज बड़ा होगा. कभी भी ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन एरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता. ओके, ये चीज है. नाउ यहाँ पे भी और एक चीज जस्ट जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. यस, इक्वल्स टू कब होना चाहिए और ए ग्रेटर देन जी कब होना चाहिए. इफ टू नंबर्स आर सेम, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी सेम है. इफ टू नंबर्स आर द सेम देन ए इज इक्वल्स टू जी, एंड इफ टू नंबर्स आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट देन ए इज ग्रेटर देन जी. ओके, यहाँ पे किस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हो, इफ बोथ नंबर्स ए एंड बी आर सेम नंबर्स देन ए इज इक्वल्स टू जी. इफ बोथ नंबर्स ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट then A is always greater than G. Okay, so yes, ये चीजें हैं. Okay, इसके अलावा एक नोट में ऐड कर रहा हूं जो कई बार जे डबल में उसका इस्तेमाल किया जाता है. यस, जे डबल में ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो रिलेशन है एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, उसका बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है. और इसके अलावा और एक चीज में नोट के तौर पे ऐड कर रहा हूं. ओके, यहाँ पे यस द एरिथमेटिक मीन of n numbers a1 a2 a3 dash 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 an is a1 plus a2 plus a3 dash 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 an by n. Yes, n distinct numbers होंगे तो उनका arithmetic mean उनका average nothing but सबका sum करके number of terms, और second the geometric mean of n numbers a1 a2 a3 dash 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 an is a1 into a2 into a3 dash 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 up to an whole raised to 1 by n एंड पावर. ओके, ये चीज. नाउ ये चीजें
सारे नंबर का अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ये, और हमने जो नंबर्स इंसर्ट करके सीक्वेंस एपी या जीपी बनाया वो दोनों चीजें डिफरेंट है. ओके, डोंट मिक्स अप विद दैट थिंग, उसके साथ मिक्सअप नहीं करना है. यस, हियर जब हम एपी और जीपी में मोर देन वन नंबर्स हम इंसर्ट करते हैं, ओके, सो हाउ कैन वी इंसर्ट द नंबर्स सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एपी और जीपी, वो चीज हम कंसिडरेशन करते हैं, वो चीज अलग है, और सारे नंबर्स का अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन वो चीज अलग है. ओके, सो जस्ट डिस्टिंग्विश दैट थिंग. ओके, ये मिक्सअप होना चाहिए नहीं. ओके, यस, सारे नंबर्स एंड डिफरेंट नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, तो सारे का एवरेज करके सबका सम करके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे वो डिवाइड करना है. और सिमिलरली उनका ज्योमेट्रिक मीन, तो सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करके होल रेस्ट जो नंबर्स होगा वो उसका एंथ वो रूट निकालना होगा. ओके, सो वन बाय एन. ओके, ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है. ओके, जहां जहां पे आएगी वो वहां पे, यस बुक में तो नहीं है, बट जहां जहां पे एडिशनल चीजें होंगी जस जेल बली वगैरह की, वहां पे मैं आपको वहां पे ये पॉइंट आउट करूंगा. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन ये चीज. यस, एम और जीएम के ऊपर से एक एग्जाम्पल है वो हम देख लेते. यस, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है. इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए एन बी आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स. यस, यहाँ पे दो नंबर्स ए और बी का कैपिटल है और जी एम, ए एम और जी एम दिया है. ओके, हियर ए एम 10, जी एम 8. ओके, सो एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी. ओके, देयरफॉर यहाँ पे एम यानी कि यस अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2 है. यस, अरिथमेटिक मीन हमारे पास 10, ए प्लस बी बाय 2, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 20, ये एक मिलेगा. यस, ए और बी फाइंड करना है, टू अननोन, दो कंडीशन हमें दी है. ओके, ऑल्सो हमारे पास जीएम अगर टू नंबर का है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये चीज है हमारे पास. यस, जीएम हमें दिया है 8, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 64. दोनों हम स्क्वायर करते हैं. यस, नाउ आई हैव गॉट ए प्लस बी मुझे मिल गया है, और ए बी ए इंटू बी ये चीज मिला है. अब हमें ए और बी फाइंड करना है, दैट मीन्स इन दोनों का सोल्यूशन है. यस, इस तरह की सिचुएशन सेम हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते थे तब क्रिएट होती थी. वहां पे हम एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, ए प्लस बी है, ए प्लस बी और ए इंटू बी का इस्तेमाल करके हम ए माइनस बी फाइंड कर सकते, फिर एलिमिनेशन से ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं ए और बी. कैसे? नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, ये दो चीजें हैं इसका इस्तेमाल करना है. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, ओके, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. इसी आइडेंटिटी हमारे पास है. ओके, फैक्टर्स की. ओके, नाउ ए प्लस बी देयर इज अ 20. यस, ये 20 का स्क्वायर माइनस 4 ए बी दैट इज अ 64. सो यस, 400 माइनस ये होगा 256. सो 400 माइनस 256 तो 144. ए माइनस बी होल स्क्वायर मिला, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालेंगे. स्क्वायर रूट निकालना तो यस वी विल हैव टू कंसीडर बोथ नंबर पॉजिटिव नेगेटिव. सो ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 12. ओके, नाउ हमारे पास ए माइनस बी के दो इक्वेशन बनेंगे, एक ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 और ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12. यस, हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं. यस, 4 ये तो एक ही है मेरे पास, 4 ए माइनस बी इज इक्वल टू 12. तो यस, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 12 एड करेंगे तो यस 2a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 16.
एक ही वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो यस ये 16 प्लस बी इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 4. दीज टू नंबर्स आर 16 एंड 4. सिमिलरली नेक्स्ट वाला करेंगे 4, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12. तो यस ए प्लस बी वो इक्वेशन तो 20 वाला इस्तेमाल करेंगे और यहां पे a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12 एड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4. 4 की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो यस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 16. यस 4 इज टू, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है. यस देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी 16 एंड 4 और 4 एंड 16. ये भी दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं और कुछ नहीं है, बाकी सेम आंसर यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, सो जस्ट इस तरह से ये एग्जांपल करने हैं और कुछ नहीं. नाउ इसके बेस पे एक्सरसाइज 9.3 में कुछ 6-7 एग्जांपल है दैट वी विल सी. इसमें से एक तो जैसे हमने आगे जो इंसर्ट करने वाला देखा था एग्जैक्टली वही एग्जांपल है, वो आपको होमवर्क में करना ही है. ओके, बाकी के एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा. यस दैट आई विल हैव टू शो यू. ओके, तो जैसे यहाँ पे आज होमवर्क में की है एक्सरसाइज 9.3 एग्जांपल 26. यस यही एक एग्जांपल है, बाकी सारी चीजें मुझे आपको दिखानी है. ओके यस दैट आई विल शो यू किस तरह से वो एग्जांपल करने है. ठीक है, मीनवाइल मैंने जो आपको एक्सरसाइज 9.3 में जो मैंने करवाया वो आपको भी खुद से ट्राई करना है, जिससे वो थोड़ा अपने आप डेवलप कर प्रैक्टिस से वो सारी चीजें आ जाएगी. ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ.